शहबाज गिल से सवाल जरूर करें लेकिन तशद्दुद बर्दाश्त नहीं। हम तो मुल्क छोड़कर भागने वाले नहीं, न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स ही रहना चाहिए। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, वापसी पर जेल जाना चाहिए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने इलेक्शन कमीशन में 40,000 रसीदें जमा करवाई। शहबाज गिल साहब के साथ जो इस वक्त जुल्म ढाया जा रहा है, जब आप फिजिकल रिमांड लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ कि फिजिकल रिमांड का तो मतलब यह है कि आपने टॉर्चर करना है एक इंसान को। हम तो आपको पता पाकिस्तान छोड़ने वाले नहीं हैं। जो पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं ना, जब उनके ऊपर कोई बोझ पड़ता है या तो वो भाग जाते हैं। मेरा ख्याल है उनको तो जेल में जाना चाहिए। उनको कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ मफरूर, तो नेचुरली अगर वो तशरीफ जब वापस लाएंगे पंजाब के अंदर तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनके 7 साल की जो सजा है उनको काटनी पड़ेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया कीमतों में इजाफे पर मरियम के बयान पर यास्मीन राशिद बोली कि ये सब नूरा कुश्ती है, उनके दरमियान कुर्सी की लड़ाई चल रही है। मरियम चाहती हैं कि वो कुर्सी पर बैठे जबकि हमजा शहबाज चाहते हैं कि वो बैठें। अगर अकल से हम देखें तो ये नूरा कुश्ती जो है ये करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तो शहबाज शरीफ साहब है, उन्होंने कहा पेट्रोल बढ़ा दो। अब मकसद ये है कि अगर आपस में उनकी नाराजगियां चल रही हैं तो क्या अभी तक आप लोगों को नहीं समझ आई कि किस चीज़ की नाराजगी है? कुर्सी की नाराजगी, कुर्सी के अलावा और किसी चीज़? मरियम कहती है मैंने बैठना है, हमजा कह रहा है मैंने बैठना है, लड़ाई इस चीज़ की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि इमरान खान 2 सितंबर को गुजरात में पावर शो करेंगे। 2 सितंबर को खान साहब यहाँ जलसे के लिए तशरीफ लाएंगे। चौधरी परवेज इलाही हमारे इत्तेहादी हैं जो 4 साल मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े रहे। कि चौधरी परवेज इलाही साहब का शहर है, चौधरी साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे अलाइज हैं, हमारे साथ 4 साल में वो मुश्किल हर मुश्किल और आसान वक्त में साथ खड़े रहे। कैमरा टीम के साथ सैयद आबिद अली, रोज न्यूज़ गुजरात।